पहली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ग्रीस के पीएम आज सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद दोनों लीडर्स के बीच बातचीत हुई। इस दौरान ग्रीस के पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी में मुझे एक दूरदर्शी नेता और एक सच्चा मित्र दिखता है। भारत आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि ग्रीस के प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट हैं, इसी वजह से वह भारत दौरे पर आए हुए हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री अपने पत्नी के साथ राजघाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने राजघाट पर विजिटर बुक को साइन किया। रायसीना डायलॉग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का मंच है। इसमें मुख्य तौर पर 100 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्री बैठक करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो पुरानी और महान सभ्यताओं के तौर पर भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। 2500 सालों तक दोनों देशों के लोग व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के साथ ही आइडियाज भी एक्सचेंज करते आए हैं। हमने इन संबंधों को आधुनिक बनाने के लिए कई नई पहलों पर सहमति बनाई है। मुझे भारत में प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री और उनके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। It's a privilege to be in India on an official state visit, reciprocating the visit of the Prime Minister to Greece a few months ago. For Greece, the strategic partnership between our two countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, a strategic partnership, but also fostering our economic ties between our two economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया आईमेक कॉरिडोर लंबे समय तक मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पहल में ग्रीस भी एक अहम भागीदार बन सकता है। हम यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के रिफॉर्म के लिए सहमत हैं, ताकि इन्हें समकालीन बनाया जा सके। भारत और ग्रीस